गाइस, वेलकम टू माय चैनल टाइम्स अप नाउ। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे इस मिनी ब्लोअर के बारे में, जिसमें आपको दो चीज़ें मिलती हैं। एक तो ये वैक्यूम क्लीनर की तरह भी काम करता है, और इसका जो ब्लोअर है वो भी काफ़ी पावरफुल है, साइज़ में भी कॉम्पैक्ट है, और इसका जो प्राइस पॉइंट है वो भी काफ़ी बजट फ्रेंडली है। तो 730 के आसपास ये आपको फ्लिपकार्ट में अवेलेबल हो जाता है। तो मैं इसका आज फुल रिव्यू आपको देता हूँ, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आप इसको परचेज कर सकते हैं या नहीं। सो बॉक्स कंटेंट में आपको मिलता है ये जो मिनी ब्लोअर, और इसके साथ दो अटैचमेंट आते हैं। जब आप एज अ वैक्यूम क्लीनर इसको यूज़ करोगे, तो इसका जो डस्ट बैग है वो ये है, और इसको आप एज अ ब्लोअर के फ्रंट पोर्शन के लिए भी यूज़ कर सकते हो, या फिर सक्शन में जब आप इसको एज अ वैक्यूम क्लीनर यूज़ करोगे तो ये आपको एज अ सक्शन पाइप ये आपको फिट करना पड़ेगा। और बॉक्स कंटेंट में आपको इसका जो बिल और वारंटी कार्ड है वो देखने को मिलेगा। इसका 6 मंथ का वारंटी रहता है। तो बॉक्स को साइड करते हैं और इसको डायरेक्टली आप पावर में डालते हैं, और देखते हैं इसका जो सक्शन पावर है वो कैसा है, और आप इसको किस किस जगह पे यूज़ कर सकते हैं। सो इसको प्लग इन कर दिया है पावर में, और इसको मैं आपको एज अ वैक्यूम क्लीनर जब आप इसको यूज़ करोगे तो ये जो अटैचमेंट्स है इसको कैसे फिट करना है मैं वो आपको दिखाता हूँ। तो जब आप यहाँ पे देखोगे तो इस पे कुछ लॉक्स बने हुए हैं, आपको उस तरीके से इसको फिट करना है। काफ़ी आसानी से ये जो प्लग एंड वो रोटेट करने पे आपका लॉक हो जाता है, तो ये इस तरीके से लॉक होता है। और इसका जो डस्ट बैग है वो आपको इस पोर्शन में अटैच करना है। जब आप इसको वैक्यूम क्लीनर की तरह यूज़ करोगे तब आपको इस तरीके से फिट करना है, और जब आप इसको एज अ ब्लोअर यूज़ करोगे तो इसी अटैचमेंट को खोल के यहाँ से इसके फ्रंट पोर्शन पे आपको फिट करना है। तो इस तरीके से ये फिट हो जाता है, और ये इस तरीके से आप इसको खींच के भी देख सकते हो कि ये अच्छे से लॉक हुआ है कि नहीं। और मैं अब इसको ऑन करके इसका जो सक्शन पावर है ये किस तरीके से काम करता है और कितना पावरफुल है वो मैं आपको दिखाता हूँ। सो यहाँ पे मैंने कुछ चावल के दाने रखे हैं, और मैं इसको जब इस ब्लोअर के सक्शन पॉइंट से मैं अगर सक करता हूँ तो देखता हूँ इसको क्लीन कर पाता है कि नहीं, क्योंकि इसका जो सक्शन पावर है 600 वाट के हिसाब से कैसा है वो आपको पता चल जाएगा। तो मोटर वाइज थोड़ा सा साउंड नॉइस है इस पे, बट 600 वाट के हिसाब से और प्राइस पॉइंट के हिसाब से आप इस पे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इसका जो मोटर का साउंड है वो आपको थोड़ा सा कम मिले। बट इसका जो सक्शन पावर है वो अगर देखा जाए इसके साइज के हिसाब से और प्राइस के हिसाब से तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आप खुद भी देख सकते हो कि जो चावल के दाने हैं वो काफ़ी ज़्यादा इजीली क्विकली ये एक सक कर ले रहा है। सो एज पर द प्राइस पॉइंट और साइज़ के हिसाब से काफ़ी पावरफुल है इसका वैक्यूम जो सक्शन पॉइंट। और इसको आप एज डेली यूज़ के लिए, अगर घर में कुछ भी डस्ट वगैरह होता है, या फिर अपने सोफे के क्लीनिंग के लिए, या फिर कार के इंटीरियर क्लीनिंग के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो पावर है सक्शन पावर वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है प्राइस और साइज़ के हिसाब से। मैं फिर से जो बाकी चावल है मैं उसको सक करके आपको इसको दिखाता हूँ, और इस बार थोड़ा सा डिस्टेंस पे रखेंगे ताकि देखते हैं कितना डिस्टेंस है ये सक कर पाता है। तो सारे चावल के दाने जो है इसमें आ चुके हैं, अब इस बैग में यहाँ पे पहुँच जाता है, जो भी यहाँ पे सक्शन पाइप से अंदर जाता है सारा डस्ट इस पे स्टोर हो जाता है। तो मैं इसको ओपन करके आपको दिखाता हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब कॉम्पैक्ट साइज़ के हिसाब से पावर इसका अच्छा है, और हाउस क्लीनिंग, कार के इंटीरियर क्लीनिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर आप परचेज करना चाहते हो। तो मैं आपको इसका डस्ट बैग जो है वो ओपन करके दिखाता हूँ। ये देख सकते हो जो सारे चावल के दाने हैं वो इधर स्टोर हो गए हैं। तो इसको आप क्लीन कर सकते हो, बाहर ले जाके इसको अच्छे से क्लीन करके फिर से आप इसको यूज़ कर सकते हो। अब बात करते हैं इसके जो
ब्लोअर पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर इसको एज अ ब्लोअर यूज किया जाए तो इसका जो पावर है वो कैसा मिलेगा आपको। तो इस तरीके से इसका जो फ्रंट अटैचमेंट है यहाँ से ओपन होके यहाँ पे फिट हो जाता है। सेम टू सेम आपको यहाँ पे इसको जो प्लग करके और रोटेट करना है लॉक करने के लिए, आपका ये बहुत ही अच्छे से स्ट्रांगली फिट हो जाता है। अब मैं अगर इसको ऑन करता हूँ तो नॉइस काफी ज्यादा होती है इस पे, बट प्राइस पॉइंट और साइज के हिसाब से काफी ज्यादा पावरफुल है, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो। तो ये इजीली कोई भी ड्राई डस्ट अगर आपके किसी भी इक्विपमेंट्स पे या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस पे या फिर आपके घर में अगर कंप्यूटर है सीपीयू के अंदर का क्लीनिंग करना है तो काफ़ी इजीली हो जाता है। और इस प्राइस पॉइंट में मुझे ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। अगर आपको किसी भी रिक्वायरमेंट में इसकी ज़रूरत पड़ती है हाउस क्लीनिंग या फिर डस्ट क्लीनिंग के लिए ब्लोअर का, तो आप इसे परचेस कर सकते हैं। तो इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इसका जो बेस्ट बाय लिंक है आप वहाँ से इसको परचेज कर सकते हो। फ्लिपकार्ट और अमेज़न दोनों पे ये अवेलेबल है। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा और इसका जो रिव्यू पे आपको कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको ऐसी लगी कि आपको चाहिए या फिर जाननी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा हो तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।